हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेमत और नेमत खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम पोटैटो कटलेट बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोई नई रेसिपी नहीं है, सभी जानते हैं इसे बनाना, लेकिन आज आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे और ये कटलेट इतना ही शानदार, मज़ेदार और क्रंची बनेगा। तो मेरे साथ बने रहें, इंग्रेडिएंट को नोट करें और स्टेप्स को फॉलो करें। मैंने हाफ के जी आलू को बॉयल किया है और बॉयल आलू को जाली पर रखा है ताकि ये चारों तरफ से तेज़ी से ठंडा हो सके। जब आलू इतना ठंडा हो जाए कि इसे उठाने में हाथों को गर्म ना लगे और इसका छीलना आसान हो, उसी वक्त इसे छील लेना चाहिए। आलू में थोड़ी गर्मी बची रहनी चाहिए। जब आलू अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसे घिस लें, और घिसे भी तो मोटे वाले छेद से, इससे इनसे नहीं। इन आलूओं को थोड़ा टाइट करने के लिए हमें कुछ मिलाना होगा, तो मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर मिला लेना होगा ताकि ये खूब टाइट और क्रंची बने। अगर कॉर्न फ्लोर नहीं है तो मैदा डाल दें, और अगर मैदा भी नहीं है तो आटे से काम चला लें। राइस फ्लोर भी एक ऑप्शन हो सकता है। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा ब्रेड क्रम्स और भी मिलाया जा सकता है। अब इसमें हम अपनी पसंद और मर्जी की कुछ सब्ज़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जो कॉमन चीज़ें डाली जाती हैं जैसे कि प्याज, धनिया की पत्ती, पालक, और ये स्वीट कॉर्न है, पीज है जो कि फ्रोज़न है, और थोड़ी सी गाजर है। आप अपनी पसंद की कुछ सब्ज़ी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, गोभी, और इसकी जगह पालक की जगह पत्ता गोभी डाल सकते हैं। तो कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं। टेस्ट को इन्हांस करने के लिए चलिए कुछ पाउडर मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाला निकाल कर पहले से रखा हुआ है, जिसमें है स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून नमक लिया है। चिली फ्लेक्स है, इसकी जगह आप लाल मिर्चों का पाउडर डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है जो कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। काली मिर्चों का पाउडर है जो कि 1/4 टीस्पून से कम है। यहाँ पर अमचूर पाउडर है, 1/4 टीस्पून से ज़्यादा है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हमारा चाट मसाला है जो कि हमारा होममेड मसाला है। ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़रूर देख लें। कलर के लिए बहुत थोड़ा सा हमने हल्दी इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे इसे बहुत पीला पीला नहीं बनाना है, और ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए हमने कसूरी मेथी लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी में डाल देना है। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिला लेना है। आलू के कटलेट में आलू ही इसका की इंग्रेडिएंट होता है, तो आलू सफ़ेद वाला इस्तेमाल करें क्योंकि वो पानी को अपने अंदर ज़्यादा नहीं खींचता है, इसकी वजह से बॉयल होने के बाद भी वो क्रंची सा रहता है। ये जो पोटैटो कटलेट की रेसिपी है वो रेसिपी तो एक ही है, मगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, या इसे बेक भी कर सकते हैं। एक और अच्छी बात इसके साथ ये है कि आप इसे बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं, और कभी भी इसे निकाल कर 1 घंटा पहले टेबल पर रख दें और उसके बाद आप इसे तल कर बच्चों को खिला सकते हैं या लंच में ले जा सकते हैं। बहुत से लोग बाइंडिंग एजेंट के तौर पर सूजी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, मगर सूजी पानी को बहुत खींचता है, तो जो भी इसके अंदर सब्ज़ी की नमी है वो उसे खींच लेगा और आपका कटलेट बहुत ही टाइट और ड्राई बनेगा। और बेसन डाल करके भी इसे लोग बांधते हैं, लेकिन बेसन में थोड़ा सा कच्चापन आ जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप आटा डालकर भी इसे टाइट कर सकते हैं। आटा एक अच्छा ऑप्शन है, आटे की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई हेल्थ इशू ना हो तो। जब भी इसे मिक्स करें तो बहुत ज़्यादा आटे की तरह इसे ना गूंथें, हल्के हाथों से इसे मिलाएं, और हाथों से अगर काम करना है तो हाथ की सफाई का पूरा ध्यान रखें।
तो चलिए ये हल्के हाथों से हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसके बड़े या छोटे ओवल या गोल हम पेड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं और उसके बनाने का तरीका ये है कि ब्रेड क्रम्ब के ऊपर मैंने इसे इस तरह से डाल दिया है और फिर उसे अपने वर्किंग सरफेस पर ही इस तरह से कर लेना है। और मैं अंडा प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है अंडा की कोटिंग करना, इसलिए मैं इसे इसी तरह से बनाती हूँ। आप चाहें तो मैदे का घोल बनाकर उसमें डुबाकर भी इसे तल सकते हैं, उससे बाहर का क्रस्ट काफ़ी क्रंची बनता है, मगर मुझे यही आसान लगता है। और इस तरह से बनाने के बाद मैं इसे फ्रीज़र में डालकर दो चार पीस फ्रीज कर दूंगी ताकि ब्रेकफास्ट के वक्त मैं इसे निकालकर आसानी से नाश्ते में सर्व कर सकूं। चलिए इन्हें अब हम फ्राई करते हैं। और फ्राई करने में आप अपनी पसंद का ख्याल रखें, मैं इसे शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं तेल हमने गरम कर लिया है। कितना लाजवाब ये पक तैयार होकर दिख रहा है, कितना ब्राउन हुआ है, क्रिस्पी हुआ है और बिल्कुल टूट नहीं रहा है। और मैंने इसको अंडे में लपेटने वाला झंझट भी नहीं किया है। इसके सिजल करने की कितनी प्यारी सी आवाज़ आ रही है और ये कितना क्रंची और क्रिस्पी हुआ है। खासकर ये स्वीट कॉर्न के दाने को बच्चे और बड़े सभी चुन चुन के खाएंगे। और आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो इसे आप भी बनाएं, पूरा घर इसे मज़े लेकर खाएगा और आपकी तारीफें करेगा। और अगर आपको पसंद आए तो भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नई वीडियो को मिस ना करें, इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।